अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और भाई आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम ना चलते हैं मार्केट, जो कि पापा जी भी ना कुछ दिन से कह रहे थे कि मैंने ना यहाँ की मार्केट से कुछ सामान लेना है। आप क्या सामान लेना है ये तो मैं नहीं से पूछूंगी। तो क्या क्या लेना था आपने? लेना तो बहुत कुछ है, बहुत है। बहुत को ट्रक भर के ले जाने का मूड है। ट्रक लग रहा है जो जाएंगे ना, ये पूरा एक बैग इतना बड़े वाला यहीं से बोल करके जाएंगे। ट्रक जाएगा। अच्छा क्या क्या लेना है? दरअसल लेना काफी सारी चीजें हैं, वहाँ पर जाके समझ में आएंगी ना। अब आपकी इतनी सारी चीजें हमें पसंद आई भी, हमने सोचा हम ये अब भी लेंगे, अगर पहले से हम बता देंगे तो फिर ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए भी। ये तो है, चलो मैं बता देती हूँ। ऐसे मैंने पापा जी को घर का कुछ सामान लेना था, तो उन्होंने मुझे तो बताया कि क्या क्या लेना है और बहुत सारी चीजें, तो वैसे तो ये वहाँ पे भी ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे ना असल में लेने का मसला ये कि ये अकेले होते हैं, नेहा को बस कभी समझ लगती है कभी नहीं लगती। पहले अम्मी होती थी तो अम्मी अपनी मर्जी से ले आती थी, घर की हर चीज़ पूरी होती थी, लेकिन ना अब वहाँ पे जो कि काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है, तो पापा ने कहा यहाँ पे जो हम आए ना तो यहीं की मार्केट से लेते जाएं, और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मैं पापा के साथ जो है ना यहाँ की जाहिर सी बात है सारी मार्केट हम लोग जानते हैं, आते जाते रहते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, अच्छी चीज़ कहाँ है, बुरी चीज़ कहाँ है, नहीं हर चीज़ का हमें पता है। तो पापा को ले जाएंगे आज, जो जो चीज़ें पापा ने मुझे बताई हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने लेनी है, आज पापा को हम सारी चीज़ें दिलवा के लाएंगे। सही बात है ना कि तुम लोग मुझे शॉपिंग करा दोगे, ये अच्छा है। आज आप भी हमारी हेल्प, बाजार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता वही तो बिल्कुल जाहिर से ऐसे ही होता है। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे 100 चीजें होती है पड़ी भी, पसंद करना बड़ी मुश्किल होता है। वहाँ घर पे भी क्या करता था, लिस्ट बनाता था ताकि कोई चीज भूल ना जाए। चलो कोई मसला नहीं, यहाँ पे अब आपने मुझे बता दिया ना, मुझे सारी चीजें याद है, तो बस चलेंगे अभी थोड़ी सी देर में रवाना होते हैं, तैयारी शैयारी करके और जाके जो भी हमने शॉपिंग करनी है ना वो करते हैं, और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे हमने क्या शॉपिंग करनी है। भाई हानिया बेटी हमारे साथ जा रही है, हानिया इधर दिखाओ। हाँ हानिया जा रही है हमारे साथ शॉपिंग करने, हानिया ने कहा मम्मा मैंने शॉपिंग करने साथ जाना है, तो हानिया ने क्या लेना है मार्केट से? हानिया ने तो भाई खिलौने लेने हैं, हानिया को खिलौने लेके दे देंगे, ठीक है? तो अभी जल्दी से तैयारी करते हैं और रवाना होते हैं। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है, सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था बाहर बादल हो रहे थे, और जो कि कुछ दिन से हमारे ऐसे ही मौसम खराब हो रहता है, बादल बारिश ये होता रहता है, तो अभी ना बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी सी बारिश और साथ में धूप, बहुत तेज हवा भी, धूप भी चल रही है, हल्की हल्की धूप भी है, बारिश भी है और हवा भी बहुत मजे की चल रही है। वैसे ना हम होता है गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में हम गाड़ी में ऐसे चला के बैठे होते हैं, लेकिन आज हम शीशे खोल के जा रहे हैं। ये देखें वहाँ ऊपर इतने ज़्यादा काले काले बादल हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा कि बस अभी तूफ़ानी बारिश आएगी, लेकिन अभी इतनी कोई ज़्यादा बारिश नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश है, हवा चल रही है, विंडो हमने खोली भी है, ये वाली फिरोज ने भी खोली भी है, पापा ने भी खोली हुई है, और यहाँ भाई ने भी खोली हुई है, भाई सब ने विंडो खोली हुई है, और ठंडी ठंडी हवा इंजॉय कर रहे हैं। नेहा जा रही शॉपिंग करने, वो भी इतने प्यारे मौसम में। हाँ हमारी सिर्फ इतने नहीं उड़ रही जितनी भाई की उड़ रही है। हाँ हमारी बंदी भी है ना, इसीलिए नेहा के नहीं उड़े, शीशा तो मेरा भी खुला है, मेरे भी इतने नहीं उड़े जितने उसके उड़े हैं, उसके असर में पोनी नहीं लगी हुई, घर चल तुझे पोनी लगाऊंगी, पोनी ये निकलवाया ये वाला भाई। अच्छा एक ये खोलना लास्ट, रेडीमेड है, अनस्टिचिंग भी मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा ये रेडीमेड है, हाँ नहीं रेडीमेड तो फिर अपने हिसाब के नहीं होते ना, स्टिच अनस्टिचिंग होते हैं। अच्छा भाई ये वाला लास्ट ये खोलना, ये भी देख ले, तो बोल रही थी अभी, ठीक है ना, जो पसंद हो वो बता अपनी मर्जी से, ये ना बोल फिर आप ही ने अपनी मर्जी से दिलवा दिया। ये रंग वैसा है जैसे तुमने कल पहना हुआ था, ये सेम रंग है, ये वाली साइड में कर लें, ये साइड में कर लें, ये ना बहुत ज्यादा लाइट है, प्यारी है लेकिन लाइट है। ये वाला मार्केट में रेट 2500 है, हमारा रेट 2200 है। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल कर लिए हैं, यहाँ पे तीन हम लोगों ने लिए हैं जी कंबल, गर्मियों के लिए कंबल लिए पतले पतले, एक दो तीन, तीनों का एक एक कंबल, और साथ में लिया एक बेडशीट सेट जिसमें दो चरपाइयों की चादर है, एक बेड की चादर है, डबल बेड की चादर है, साथ में जो चार थे क्योंकि अस्तर होते हैं वो, तो ये सारा कुछ हमने ले लिया है। अब इसकी जो प्राइस वगैरह ना वो फाइनल करते हैं और फिर आगे चलते हैं, और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं बता दें बैठे बस इतना ही, चलें पापा कहते हैं फाइनल यही है, तो बस इसको फाइनल करते हैं, डन करते हैं और आगे चलते हैं। कलर ये सही है, देख लो और भी काफी चीजें पड़ी हैं, नहीं, नहीं, कोई पर्दे वगैरह कोई और चादर या कोई और कंबल, प्लास्टिक किस चीज के पड़े, ये प्लास्टिक ये नीचे बिछाने के लिए,
दिल्ली और शॉपिंग, बहुत ज्यादा शॉपिंग की हमने, और जो जो किए ना वो तो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी ना हम काफी ज्यादा थक गए थे मार्केट में घूम घूम के, इतना ज्यादा रश हो रहा है ना अभी भी। ईद के दिन तो होता ही रश है, लेकिन अभी भी बड़ा रश है, और पापा भी काफी थक गए थे। हाँ, और भूख भी काफी ज्यादा लगी थी ना, सुबह से नाश्ता किया हुआ, नाश्ता करके निकले थे, और अभी ना काफी ज्यादा भूख लगी थी सबको, तो हमने कहा चलते हैं क्योंकि होटल से और खाना खाते हैं, तो यहाँ पे भी हम हमारे यहाँ के होटल पे आए, और होटल पे ये हमें मेन्यू मिल गया था यहाँ का, छोटा सा मेन्यू, उसमें बाजार के साथ ही होटल का, हम यहीं पे आ गए, तो मेन्यू में जो जो हमने ऑर्डर दिया था ऑर्डर दे दिया। हमने भाई कढ़ाई ऑर्डर की, एक कौरमा ऑर्डर किया है, साथ में हमने रायता, सलाद, चावल, यानी काफ़ी सारी ऑर्डर किए, तो ऑर्डर जो चीज़ किया ना वो यहाँ पे अभी आएगा थोड़ी सी देर में, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे, अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं, और हाने खेल रही है। फाइनल भी काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका है, और खाने में हमने क्या क्या मंगवाया आपको बता देते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा करके ना हमने सब कुछ मंगवा लिया, हमने कहा सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मंगवाया चिकन चने, और साथ में जी चिकन कोरमा, साथ में जी दाल माश, और हैं जी पीस, लेग पीस हैं, और साथ में जी आलू अंडा, चार पाँच चीज़ें हमने मंगवाई हैं, और साथ में सलाद, रायता, रोटियाँ, नान, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आ गया। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ टेस्ट करते हैं, मुँह में पानी आ रहा है और भूख भी बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग अभी स्टोर पे हैं, और स्टोर पे पापा जी लेने लगे हैं हमारे घर के लिए गिफ्ट। हमने तो भाई बहुत मना किया कि आप हमारे घर के लिए कुछ ना लो, आप आए हमारे लिए वही काफ़ी, लेकिन पापा कहते हैं नहीं मैं कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा, तो हमने कहा ठीक है आपकी खुशी के लिए हम भी राजी हैं। तो यहाँ पे ना वो हमारे घर के लिए देख रहे हैं क्लॉक, और बहुत सारी यहाँ पे जो घड़ियाँ हैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस की, तो अभी एक इन्होंने पसंद की है ये वाली, ये देखें एक ये पसंद की है, और एक जो यहाँ से कुछ पसंद किए, तो ये वाली भी हम उतरवाते हैं, ये जो वाइट वाली ना ये वाली, एक ये पसंद की है, तो इन दोनों को अभी उतरवा के इनको चलवा के चेक करते हैं, जो सी सही चलेगी बेस्ट होगी वो फिर ना पापा जी लेंगे हमारे लिए गिफ्ट, हमारे लिए गिफ्ट ले रहे हैं, लेकिन हमसे पता पूछ के ले रहे हैं। वैसे ये भी प्यारी है, ये सिंपल सी ही प्यारी है, हाँ हम तो कह रहे थे बस रहने दो, हाँ बस आप आ गए हो काफी, क्या जरूरत है इसकी, लेकिन वो कहते हैं बहुत अच्छा उतरवा के देख लेते हैं, वो भी उतरवा लेते हैं बस आपकी खुशी के लिए जो बोले आप, बहुत सारी बहुत चीज़ें, वैसे वो भी प्यारी है लंबी है ना, हाँ ये प्यारी है, सारी प्यारी है अपनी जगह ना, भाई फाइनली बहुत सारी घड़ियाँ देखने के बाद हमें ये वाली घड़ी पसंद आई है, और ये हमने उतरवा ली है जी घड़ी, और अभी इसमें भाई सेल शेल डालते हैं, इसको चेक करते हैं, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, सेम वही डिज़ाइन है जो पहले पसंद किया था, लेकिन वो स्टाइल ओवर है, एक ये घड़ी है, एक ये घड़ी है, तो ये दो घड़ी है, ये सिंपल में है नाइट क्लॉक है, रात में नंबर चमकेंगे, वो थोड़ी सी और तरह की फैंसी है, शीशा है आगे, इसका हाँ, शीशा कैसा लगा हुआ है, अलग से लगा हुआ, डिफरेंट शीशा है, प्यारी है वैसे, तो चलो दोनों को, हाँ दोनों को चलवा के चेक करते हैं, जो ने जितनी भी चीज़ें लेनी थी ना सब कुछ ले ली है, और क्या क्या लिया है ये तो आपको बाद में बताएंगे, यानी कुछ वीडियो में दिखा दिया और कुछ एक्सप्लेनेशन से भी बाद में बताएंगे क्या लिया है, कैसी चीज़ ली है, तो वो सब बाद में, लेकिन ना जो पापा ने गिफ्ट दिया है ना वो बहुत खूबसूरत है, इतनी प्यारी वॉच है, इतनी प्यारी वॉच है कि क्या बताएं, आप लोगों ने देख ली, आप लोग बताना है कि कैसी लगी आप लोगों को वॉच, और पापा जी का बहुत शुक्रिया, नेहा का भी बहुत शुक्रिया, छोटी सी बहन है मेरी कहती है आप ही कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, आप पसंद करो जो लेना आप पसंद नहीं, पहले हम सोच रहे थे कराची से लेकर, जबरदस्त गिफ्ट है, लेकिन फिर कराची नहीं, से ज्यादा लंबा, देखो अगर कराची से कुछ ले आते ना वो बात और होती है, वो आप मुझे बगैर बताए ले आते हैं, वो फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ मेरे सामने ना मुझे अजीब लगता है, पसंद से लिया लेकिन कराची से इसलिए लिया ना कि हमारा प्रोग्राम था, कोई बड़ी चीज लानी, बड़ी चीज, अब अगर वो लाते हुए टूट जाता, हाँ ये तो मुश्किल होता है लाना ना, मुश्किल होता इतनी दूर से लाना, मुश्किल हो जाता है, चलें कोई मसला नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे से गिफ्ट के लिए, भाई का भी बहुत शुक्रिया, मैं सोचा चलो जाने से पहले पहले यहाँ से खरीद लेंगे, हाँ चलें अब खरीदारी होगी, शॉपिंग भी होगी, और हमने घर देखा था, अच्छा कल घर देखने नहीं गए थे, हाँ। उसका अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया आप बस मैं जब भी बात करती हूँ कहते हैं बेटा सोच के बताते हैं, बेटा सोच के बताते हैं, फैसला करते हैं, डिसाइड कर रहे हैं, कोई डिसाइड कर लो जो बता दो, उनके फोन पे फोन हो, कहते हैं फाइनल हमें बताओ, उनके भी फोन पे फोन आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है उन्होंने भी पीछे फिर अपना किसी और को दिखाएंगे नहीं, तो वो बजट की टेंशन ना ले, हाँ बाकी आपने बस पसंद करना है, अगर बड़ा पसंद है वो बता दें, छोटा पसंद है वो बता दें, पसंद करना है, बाकी आप कोई टेंशन ना लें, बजट की या कुछ उनसे बात करने की वो कोई टेंशन ना लें,
वो हमारा काम है, बस फैसला बताएं। चुप हो गए दोनों के दोनों। बस बजट की टेंशन ना लो ना, आपको कहा तो है। छोटा लोन करते हैं फिर। हाँ फिर यही करना पड़ेगा, वो जो कहते हैं छोटा। हाँ आप कॉल कर लें, हाँ शाम को डन कर देते हैं। ठीक है छोटा वाला सही है, हाँ ठीक है वही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, पापा कह रहे हैं छोटे वाला पापा को ज्यादा अच्छा लगा है, और उनकी फैमिली के हिसाब से भी ठीक है, जो कि तीन उनके मेंबर्स थे फैमिली में। बाकी हम तो कभी कभार ही जाते हैं, ठीक है मिलने जाएंगे, रुकने थोड़ी ना जाएंगे, इतने करीब होंगे। और बाकी जो भी इनका फैसला होगा हमें कबूल है, तो वो छोटे को कहते हैं तो छोटा डन कर लेते हैं। और भाई आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि हमारी शॉपिंग में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, सारा दिन हो गया, और बस घर चलते हैं, घर जाके खाना पीना, शाम का खाने की जो तैयारी होगी ना वो करेंगे। और आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।